वहाँ पे भी 5 से 6 घंटे हम गए हैं आए हैं और पानी के अलावा कुछ नहीं किया खाया, वहाँ सिर्फ अंडे खाए थे और दूध की। कहाँ जाना है? हम सिरन सिरन वैली जाएंगे। अच्छा, ये मजाक अच्छा नहीं है आमिर भाई। कहाँ जाना है? हम सिरन सिरन वैली जाएंगे। अच्छा, और ये इस तरह है कि मानसेरा मोटरवे से उतरते हैं, किचड़ियाँ एक जगह है वहाँ से। अच्छा, वहाँ से उतर के फिर हमने शंक्यारी के पास से होते हुए डाडर वाली रोड पे जाना होता है। अच्छा, तो वो जो डाडर वाली रोड है वो सारी सिरन वैली कहलाती है। अच्छा, उसमें फिर पहले डाडर आते हैं, फिर उसके बाद जबोड़ी जगह आती है। अच्छा, जबोड़ी के बाद नौजाबाद आता है। अच्छा, और नौजाबाद से दो रोड्स जाती है, एक जाती है मुंडी। अच्छा, और एक जाती है दौर 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 है दौर जगह है यार। अच्छा, जैसा डाडर है ना सर दौर, तो उसमें मेडोज हैं। अच्छा, मुंडा गुच्छा मेडोज कहलाते हैं। और दूसरी साइड पे मुंडी है, मुंडी खुद वैली है। तो कोशिश तो आज हम करेंगे कि अगर दोनों जगह हो सके तो ठीक है, बारिश का क्योंकि चांस है तो शायद दोनों ना भी हो सके, तो जो एक आध हो जाए वो काफ़ी है। तो ये चीज़ है, तो ये तकरीबन ये बनता है कि जब शंक्यारी से उतरेंगे तो उसमें मुंडी तक एंड तक जाते हुए कोई 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, लेकिन हम ये है कि रुकेंगे नहीं, तो जो अपनी मेन डेस्टिनेशन है तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। गिलगित रोड पे जाते हुए सिरन दरिया सिरन का बोर्ड आएगा और उसके बाद फिर किचड़ियाँ का टर्न है जहाँ से मोटरवे से उतर जाना होता है। तो आपने मानसेरा वाली साइड टर्न नहीं होना है, एबटाबाद के बाद बस गिलगित वाली मोटरवे पे आते रहना है और दरिया सिरन क्रॉस होगा और उसके बाद फिर अभी आपको दिखाता हूँ जहाँ से किचड़ियाँ वाला टर्न है
वहां से नीचे उतरना है और फिर वापस टर्न होके डाडर वाली साइड पे जाना है। आप गूगल मैप पे भी लगा सकते हैं डाडर। ये आगे था कोर्ट जा रही है और इससे राइट पे हमने उतरना है यहाँ से खिचड़िया, और उतरने के बाद फिर वापस मुड़ना है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये मनसेरा और गिलगित वाली पुरानी रोड से लेफ्ट पे ऊपर चढ़ जाना आते हुए, ये सामने डाडर 9 किलोमीटर, जबोड़ी सच्चा नौजाबाद 26 किलोमीटर। हमने ये नौजाबाद तक जाना है जो 26 किलोमीटर है। ये पहला गांव यहाँ से गुजरा है मैरा सवातियाबाद, और सिरन वैली इस वजह से इसको बोलते हैं कि इसके साथ साथ दरिया सिरन चल रहे हैं, और ये अब हम दरिया उसमें सिरन वैली में एंटर हो चुके हैं। ये तकरीबन 26 से 30 किलोमीटर टोटल एंड तक है, जो नौजाबाद लिखा हुआ था ऑलमोस्ट वही उसका एंड बनता है, फिर राइट लेफ्ट टर्न हो जाती हैं रोड्स। साफ सुथरा दरिया है, किसी भी जगह आप दरिया में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं लेकिन उसके अलावा भी कहीं भी आप बैठना चाहें, साफ पानी होता है तो अच्छा मौसम है। यहाँ का भी टेम्परेचर 26 डिग्री आ रहा है एक्सटर्नल टेम्परेचर, लेकिन अभी तो हम बहुत नीचे हैं, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अभी हम डाडर से गुजर रहे हैं, तकरीबन 9 किलोमीटर था जहाँ से हम मेन रोड से साइड पे आए थे। यहाँ पे दो एक फैमिली पार्क्स भी बने हुए हैं, तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, झूले वगैरह लगे हैं, फिर ट्रैक्स हैं, इस तरह से प्यारी जगह है। तो ये पहले तो डाडर ही मशहूर है, लोग यहीं तक ही आते होते थे अक्सर यहाँ सिरन वैली में। ये अभी आपको ना ये आबादी के दरमियान यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये डाडर में है। और यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था कुछ अरसा पहले, आप लोगों ने कभी सुना भी हो, तो ये सारा का सारा जो पूरा इलाका है ना ये तबाह हो गया था, ऊपर से पहाड़ आए थे, पत्थर आए थे। तो ये यहाँ पे इस सारी जगह पे आप देख सकते हैं कि आबादी के अंदर हर जगह पे पत्थर पड़े हुए हैं। ये सारे पत्थर, हाँ जी, ये सारे के सारे जो पत्थर है ना ये ऊपर से उस क्लाउड बस की वजह से नीचे आए थे, काफ़ी कैजुअल्टीज हुई थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट मेंटल, उसकी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुँचा था, कुछ लोग उसमें भी मरे थे। ये इस जगह पे एग्जैक्ट, ये क्योंकि पानी का बहाव ऊपर से आता है तो ये वाली चीज है, ये सारे पत्थर उस क्लाउड बस्ट के पानी की वजह से नीचे आए थे। ये आई थिंक है कोई बात 2004-05 की बात है। ये एक्चुअल में वो नाला है ना, इसी के साथ सारा पानी फिर नीचे आया था, ये पूरे घर पूरे गांव तबाह हो गया था। किसे सिंह ठोकिया ना, बमबाट बकरे जी। Thank you.
कुछ दिन पहले हमने यहीं सिरन वैली में, जो बोड़ी से आगे दरिया सिरन पे आके, एक दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट की योगा क्लब के दोस्तों के साथ, और दरिया में नहाते रहे और हमने एंजॉय किया। तो कुछ क्लिप्स इसमें इसके भी मैंने डाले हैं। अभी वाला जो ट्रिप है उसमें तो हम आगे एक साइड पे एंड तक गए थे, मुंडा गुच्छा तक, लेकिन इसमें हमने यहीं पे स्टे किया था और इधर एंजॉय करके गए थे। तो अगर आप लोग फैमिली के साथ आते हैं और टफ हाइकिंग या ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे दरिया के किनारे कहीं पे भी स्टे कर सकते हैं। जी ज़हीर साहब, कहाँ पे आए हुए हैं जी आप इस वक्त? ये अभी नौजाबाद पहुँचे हैं। आपको अभी बताया था कि नौजाबाद से दो ट्रैक्स जाते हैं, एक नीचे मुंडी की तरफ जाता है, ये वैली है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। हमारा प्रोग्राम ये है कि ये सारा एक्सप्लोर करके जाएं। अब देखें कितना टाइम लगता है और क्या होता है। और ये ऊपर रोड जा रही है, ये मुंडा गुच्छा मेडोज़ हैं, उस तरफ जाती है। तो पहले हम मुंडी की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर मुंडा गुच्छा मेडोज़ की तरफ जाएँगे। ठीक है जी। ये जगह असल में नवाज़ाबाद है, और जिन दोस्त ने बताया था फ़ोन पे, तो वो थोड़ा तेज़ बोल रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा कि नौजाबाद का है। तो ये इंट्रो देने के बाद जब बाद में देखा तो ये नवाज़ाबाद जगह थी। इसके बाद फिर मुंडी जाने की बजाय हम मंडागुच्छा गए। मंडागुच्छा बहुत प्यारी वैली है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से उसका जो सारा हवाल है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो मुंडागुच्छा का सारा इंट्रो और उस वैली के नज़ारे आप देखेंगे। इंट्रो में थोड़ा सा उसके नज़ारे डाले थे, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में डिटेल से मुंडागुच्छा वैली जो है वो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे।